अस्सलाम वालेकुम क्लास 10, होप यू आर ऑल फाइन। टुडे वी आर गोइंग डिस्कस डैम्प्ड ऑसिलेशंस। बच्चों आज हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस पढ़ेंगे। वाइब्रेटरी मोशन ऑफ आइडियल सिस्टम इन एब्सेंस ऑफ एनी फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस कंटिन्यूज इंडेफिनेटली अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स प्रैक्टिकली इन ऑल। अच्छा बच्चों मैं बताती हूँ आपको, एक भी कोई आइडियल सिस्टम होता है ना, जो वाइब्रेटरी मोशन होता है वो कंटिन्यूसली होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, ठीक है, जब तक कि उसमें कोई फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस पैदा ना हो जाए। अगर किसी ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस पैदा हो जाए तो उसका वाइब्रेटरी मोशन जो है ना वो रुकना शुरू हो जाता है। क्या होता है सिस्टम्स में कि जो उनकी फोर्स होती है फ्रिक्शन की, वो मोशन को रोक देती है, रिटार्ड करती है, ताकि सिस्टम ऑसिलेट ना करें इंडिफिनाइटली, मतलब हमेशा ऑसिलेट ना करता रहे बल्कि कुछ ऑसिलेशंस के बाद रुक जाए। फ्रिक्शन बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की रिड्यूस करती है जैसे वक्त गुजरता है, और इस मोशन को कहते हैं डैम्प्ड। ये डैम्पिंग ना रिड्यूस करती है एम्पलीट्यूड वाइब्रेटिंग मोशन का। क्या होता है कि अगर फ्रिक्शन ना हो किसी बॉडी में तो वाइब्रेटरी मोशन होता ही रहेगा इंडिफिनाइटली। तो अब इस वाइब्रेटरी मोशन को रोकने के लिए सिस्टम में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, और वो फ्रिक्शन जो है मैकेनिकल जो एनर्जी है उसे कम करती है। अब एक एग्जांपल हम शॉक एब्जॉर्बर्स की लेते हैं जो ऑटोमोबाइल में होते हैं। वो क्या करते हैं, शॉक एब्जॉर्बर में एक पिस्टन होता है जो एक लिक्विड जैसे ऑयल के ऊपर मूव करता है, ठीक है। जो अपर पार्ट होता है उस एब्जॉर्बर का वो बॉडी के साथ अटैच होता है, कार की बॉडी के साथ। जब कार किसी बम्प पर ट्रैवल करती है तो कार वाइब्रेट करती है वॉयलेंटली। इस वॉयलेंटली वाइब्रेशन को रोकने के लिए ना शॉक एब्जॉर्बर जो है वो इस वाइब्रेशन को डैम्प, इसे कम कर देते हैं, और इस एनर्जी को हीट एनर्जी ऑफ ऑयल में कन्वर्ट कर देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। दस डैम्प्ड ऑसिलेशन की क्या डेफिनेशन है, ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्सेस आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ऑसिलेशन ऑफ सिस्टम इन प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्सेस आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशंस। अच्छा बच्चों वेव मोशन क्या है, वेव्स क्या होती हैं, बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी डेली लाइफ में। इट इज बिकॉज वेव्स आर कैरियर ऑफ एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। वेव्स बेसिकली एनर्जी या इंफॉर्मेशन की कैरियर्स होती हैं और काफ़ी लंबे डिस्टेंसेज तक ट्रैवल करती हैं। वेव्स को ना कोई वाइब्रेटिंग सोर्स रिक्वायर होता है, ताकि वाइब्रेशन की स्टार्ट, कोई इनिशिएटर स्टार्ट रिक्वायर होता है जिस उन्हें बिगिन कर सके, स्टार्ट कर सके। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, हम एक पॉन्ड लेते हैं, एक कोई छोटा सा टब ले लेते हैं, उसके अंदर पानी भर लेते हैं, एक साइड पर कॉर्क रखेंगे और उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर एक पेंसिल बार बार डिप करेंगे वर्टिकली इस पॉट में, ठीक है। क्या होगा कि इस डिपिंग से कुछ वेव्स प्रोड्यूस होंगी, रिपल्स प्रोड्यूस होंगी। ये रिपल्स जो हैं ये वाटर वेव्स प्रोड्यूस करेंगी, और जिसकी वजह से जब वाटर वेव्स अपनी सोर्स से हमेशा दूसरी डायरेक्शन में मूव करेंगी, जब दूसरी डायरेक्शन में मूव करेंगी तो कॉर्क तक जाएंगी, और जब ये वेव्स कॉर्क तक टच करेंगी तो कॉर्क ऊपर नीचे मूव होना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली क्या शो कर रहा है कि वेव्स कैरी करती हैं एनर्जी या इंफॉर्मेशन एक सोर्स से दूसरी सोर्स तक। फॉर एग्जांपल डिप वन एंड ऑफ पेंसिल इनटू अ टब ऑफ वाटर एंड मूव इट अप एंड डाउन वर्टिकली, द डिस्टरबेंस इन द फॉर्म ऑफ रिपल्स प्रोड्यूसेस वाटर वेव्स व्हिच मूव अवे फ्रॉम द सोर्स। व्हेन द वेव रीचेस अ स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क फ्लोटिंग नियर द डिस्टरबेंस इट मूव्स अप एंड डाउन अबाउट इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हाइल द वेव्स विल ट्रैवल आउटवर्ड्स। The net displacement of cork is zero. The cork repeats its vibratory motion about its mean position. क्या हुआ कि हमने एक पेंसिल को डिप किया, रिपल्स ने वेव्स प्रोड्यूस की, वेव्स जब कॉर्क तक गई तो इट मूव्स अप एंड डाउन अबाउट इट्स ओरिजिनल पोजिशन वाइल वेव्स विल ट्रेवल आउटवर्ड्स। एक और एग्जाम्पल लेते हैं रॉप की, एक रॉप लें, उसके ऊपर एक पॉइंट पर हम मार्क कर लें, कोई ब्लैक पॉइंट मार्क कर लें और उसे एक सपोर्ट से बांध दें। अब रॉप को ऊपर नीचे हिलाना जोर जोर से, तो क्या होगा कि जो पॉइंट जो पी था वो ऐसे ऐसा मूव करेगा आगे की तरफ। इससे क्या अश्योर है कि वेव्स ट्रैवल करती हैं इंफॉर्मेशन। टेक अ रॉप एंड मार्क अ पॉइंट पी ऑन इट, टाई वन एंड ऑफ रॉप विद अ सपोर्ट एंड स्ट्रेच द रॉप बाय होल्डिंग इट्स अदर एंड इन योर हैंड। नाउ फ्लिपिंग द रॉप अप एंड डाउन रेगुलरली विल सेट अ वेव इन द रॉप विच विल ट्रैवल टुवर्ड्स अ फिक्स्ड एंड। द पॉइंट पी ऑन रॉप विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन as a wave passes across it. The motion of point P will be perpendicular to the direction of motion of wave. From above experiments or activities, we can define wave. अब बच्चों wave की definition क्या है?
A wave is a disturbance in the medium which causes the particles of medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal intervals of time. Wave क्या है? एक disturbance है medium में जो क्या करती है कि particles of medium को vibratory motion में लाती है जिस about their mean position in equal interval of time. Waves की दो categories हैं, एक mechanical waves, एक electromagnetic waves. Mechanical waves कौन सी होती हैं? Waves which require any medium for their propagation are called mechanical waves. Waves जिन्हें कोई medium require होता है propagation के लिए, उन्हें कहते हैं mechanical waves. Examples of mechanical waves are water waves, sound waves, waves produced on strings and strings. और electromagnetic waves क्या होती हैं? वो waves जिन्हें कोई propagation के लिए medium require नहीं होता, उन्हें कहते हैं electromagnetic waves. For example, radio waves, television waves, X-rays, हीट एंड लाइट वेव्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की. अच्छा बच्चों, मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स फर्दर पढ़ते हैं. ये दो तरह की होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या ट्रांसवर्स वेव्स. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जाम्पल देखते हैं. एक स्प्रिंग लेते हैं और उसे एक स्मूथ फ्लोर पर रख देते हैं, ठीक है, और उसका एक एंड उस रिजिड सपोर्ट से बांध देते हैं और दूसरा हाथ में पकड़ लेते हैं. फिर इसे एक रेगुलर पुश और पुल देना है, पुश करना है, पुल करना है, पुश करना है, पुल करना है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक सीरीज ऑफ डिस्टर्बेंस पैदा होगी इस वेव्स में. कुछ रीजन्स बनेंगे, कॉम्प्रेशंस और रिफ्रैक्शंस. कॉम्प्रेशंस कौन से रीजन्स होंगे? वेयर लूप्स ऑफ स्ट्रिंग्स आर क्लोज टुगेदर अल्टरनेटिंग विद रीजन्स कॉल्ड रेयरफैक्शंस, जहाँ लूप्स स्पेस्ड अपार्ट. ये रेयरफैक्शन है और ये कॉम्प्रेशन है. इन द रीजन्स ऑफ कॉम्प्रेशन पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर क्लोजर टुगेदर, वाइल इन द रीजन्स ऑफ रेयरफैक्शन पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर स्पेस्ड अपार्ट. The distance between two consecutive compressions is called wavelength. Compressions and rarefactions move back and forth along the direction of motion of wave. Such a wave is called longitudinal wave. और इसे कैसे define करते हैं? In longitudinal waves, particles of medium move back and forth along direction of propagation of waves. Longitudinal waves में क्या होता है कि particles होते हैं medium के, वो back and forth move करते हैं along direction of propagation of wave. अब ट्रांसवर्स वेव की एग्जाम्पल देखते हैं. एक और स्प्रिंग लेते हैं और उसे एक स्मूथ फ्लोर पर रखते हैं और उसका एक एंड जेल रिजिड सपोर्ट से बांध देते हैं और दूसरा खुद पर कर लेते हैं और उसे ऊपर नीचे जोर जोर से वेव करते हैं. क्या होगा कि अ वेव इन द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेट क्रेस्ट एंड ट्रफ्स विल स्टार्ट ट्रेवलिंग टूवर्ड द फिक्स्ड एंड. क्रेस्ट हाइस्ट पॉइंट है और ट्रफ्स लोएस्ट पॉइंट है. और डिस्टेंस के दरमियान उसे कहते हैं वेव लेंथ. क्रेस्ट हाइस्ट, ट्रफ ट्रफ नीचे जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है. डेप्थ ट्रांसवर्स वेव की एग्जाम्पल होगी. इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स. वाइब्रेटरी मोशन जो है परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स. और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या था? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स. अच्छा, वेव्स आर एज कैरियर ऑफ एनर्जी. हमने पहले पढ़ा कि वेव्स में कैरियर होती है एनर्जी की, इन्फॉर्मेशन की. एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में वेव्स की मदद से. जैसे हम अगर स्प्रिंग स्ट्रेच करें तो हम अपनी मस्कुलर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, जिसकी वजह से जो वाइब्रेटिंग फोर्स होते हैं हैंड से वो पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करती हैं स्ट्रिंग में और एक मोशन में ले आती हैं. दस एनर्जी ट्रांसफर करती है फ्रॉम वन प्लेस ऑफ मीडियम टू अदर इन फॉर्म ऑफ वेव. जो अमाउंट ऑफ एनर्जी वेव कैरी करती है वो डिपेंड करती है डिस्टेंस पर. फॉर एग्जाम्पल, एक वेव को मैंने स्ट्रेच किया, जितना फास्टर स्ट्रेच करूँगी उतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी. दैट इज द एनर्जी इन वेव डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ वेव. इफ यू शेक स्ट्रिंग फास्टर विल गिव मोर एनर्जी पर सेकेंड टू प्रोड्यूस वेव ऑफ हायर फ्रिक्वेंसी एंड द वेव डिलीवर्स मोर एनर्जी पर सेकेंड टू पार्टिकल्स ऑफ स्ट्रिंग एज इट मूव्स फॉरवर्ड. वाटर वेव्स ट्रांसफर होती हैं एक प्लेस से दूसरी में. फॉर एग्जाम्पल, एक एक्टिविटी देखते हैं. एक पॉन्ड है वाटर का, उसमें एक स्टोन ड्रॉप करो. वो जब स्टोन गिरेगा तो वाटर वेव्स प्रोड्यूस होंगी और वो आउटवर्ड ट्रैवल करेगी. एक कॉर्क थोड़े से डिस्टेंस पर रख देते हैं तो वाटर वेव्स जब कॉर्क तक पहुंचेगी तो कॉर्क ऊपर नीचे मूव होना शुरू होगा. इस तरह से हमें प्रूव हो गया कि एनर्जी ट्रैवल करती है वेव्स के फॉर्म में. अब रिलेशन देखते हैं वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में. हमने देखा वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन मीडियम विच ट्रैवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर and hence have a specific velocity of traveling. इसे कहते हैं velocity of wave, which is defined as velocity is equal to distance per time.
अगर टाइम जो है वो क्या है कि इज टाइम टेकन बाय वेव इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज इक्वल टू टाइम पीरियड, अगर वेव जब एक पॉइंट से दूसरे वेव पॉइंट तक जा रही है वो उस टाइम पीरियड टी के इक्वल है, तो डिस्टेंस क्या इक्वल होगा वेवलेंथ लैम्डा के, वी इज इक्वल टू लैम्डा बाय टी। टाइम पीरियड क्या था, रेसिप्रोकल था फ्रीक्वेंसी का, तो टी इज इक्वल टू वन बाय एफ, वी इज इक्वल टू लैम्डा एफ। एक एग्जांपल देखते हैं, अ वेव मोशन ऑन स्लिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज़, 4 हर्ट्ज़ है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ 0.4 है, स्पीड 5।